इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात कर रहे हैं यूरोपीय सांसदों के उस दल की जिसके दौरे ने विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए यूरोपीय सांसदों के दल ने आज पत्रकारों से भी वार्ता की। उन्होंने दो टूक कहा कि वह कश्मीर को अफगानिस्तान बनते नहीं देखना चाहते और कश्मीर के लोग वहां विकास चाहते हैं। भारत एक शांतिप्रिय देश है और आतंकवाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है और इसे मिलकर ही समाप्त किया जा सकता है। सरकार कश्मीर में हालात सामान्य करने की दिशा में प्रयासरत है और यह है उनका आंतरिक मामला है। इस बीच यूरोपीय सांसदों के दल के इस दौरे को एक एनजीओ द्वारा प्रायोजित किए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। सवाल क्या है कि यह कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें अपने मुल्क के सांसदों को रोका जाता है और बाहरी सांसदों को घुमाया जाता है। क्या अब यह मामला आंतरिक नहीं रहा? इस दौरान एक नाम और चर्चा में आया है, माडी शर्मा। खुलासा हुआ है कि सभी 27 यूरोपीय सांसदों को माडी शर्मा के एनजीओ ने न्योता भेजा था। माडी शर्मा ने ही सांसदों को पीएम से मिलवाने का प्रस्ताव दिया था। अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद यह दल दिल्ली लौट आया है। इस तरह के पहले दौरे का क्या राजनीतिक निहितार्थ होंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर राजनीति व सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यूरोपीय दल ने कश्मीर काफी कुछ देखा और आज सुबह पत्रकारों से भी बात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और कश्मीर के लोगों को उससे काफी उम्मीदें हैं। आतंकवाद अकेले भारत की समस्या नहीं है, इसे विश्व स्तर पर देखा जाना चाहिए। वे नहीं चाहते कि कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हों। कश्मीर के लोग भी विकास चाहते हैं, आतंक नहीं। प्रतिनिधिमंडल का यह भी कहना है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला भारत सरकार का आंतरिक मामला है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपने दौरे को राजनीतिक चश्मे से देखे जाने पर भी एतराज जताया। अलबत्ता जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कश्मीर पर अपनी कोई रिपोर्ट यूरोपीय संसद को देंगे तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। यानी इसके बाद यह संकेत लगाए जा रहे हैं कि उनका यह दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक था और इस दौरे से यूरोपीय मुल्कों का कोई लेना देना नहीं है। यह दल आया है तो अपनी मर्जी से, इसे किसी भी मुल्क ने भेजा नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की प्रेस वार्ता से जो सवाल उठे उसे पकड़ने में विपक्ष ने भी कोई देर नहीं लगाई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पिछले 3 दिन में देश ने एक इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर द्वारा प्रायोजित मोदी सरकार का अपरिपक्व, विवेकहीन व मूर्खतापूर्ण पीआर स्टंट यानी प्रचार का हथकंडा देखा है। 27 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में से सिर्फ 23 ही कश्मीर गए, जबकि 4 दिल्ली से ही स्वयं इसमें फिट न पाते हुए लौट गए। बता दें कि यूरोपीय संसद के डेमोक्रेट सदस्य क्रिस डेविस ने दौरे से हाथ खड़े करते हुए कहा था कि मैं मोदी सरकार के प्रचार हथकंडे का हिस्सा बनने वे सभी कुछ ठीक ठाक है कहने के लिए तैयार नहीं हूं। गैर राजनीतिक मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के लिए जो नाम सामने आया वह है माडी शर्मा का। कौन है माडी शर्मा, आइए बताते हैं। माडी शर्मा वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक नाम के एनजीओ की प्रमुख है। वह बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रहने वाली भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है। वह स्वयं को सोशल कैपिटलिस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर और स्पीकर बताती हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ही यूरोपियन यूनियन के 30 सांसदों को पत्र लिखकर पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मिलवाने व कश्मीर ले जाने का न्योता दिया था। इस कार्य के लिए स्वयं सरकार ने उनसे संपर्क साधा था। दल अब वापस चला जाएगा लेकिन पीछे छोड़ जाएगा राजनीतिक मायने। बनी रहेगी हमारी ऐसे ही मुद्दों पर नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।